हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लास। प्यारे बच्चों, आपका अपनी इंग्लिश क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश के अंदर चैप्टर नंबर 5 सी एंगर के बारे में पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इसके पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने 3 पार्ट्स के अंदर इस चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कशन किया है। प्यारे बच्चों, आज हम इसके पार्ट नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। ए ह्यूज वेव हिट देम डीपर इनटू द सी। ए ह्यूज वेव, एक बड़ी लहर हिट देम, उनको चोट पहुंचाती है। डीपर इनटू द सी, अंदर एक बड़ी लहर उनको धक्का लगाती है, चोट पहुंचाती है। जस्ट देन, तभी इट बिगेन टू रेन, तभी बरसात होना शुरू हो जाती है। इट वाज नाउ लेट आफ्टरनून, इट वाज नाउ लेट आफ्टरनून, अब दोपहर हो चुकी थी। दे वर फार अवे फ्रॉम द सोरी, दे वर फार अवे, वे अभी भी दूर थी। फ्रॉम द सोरी, वे अभी भी किनारे से दूर थी। रिनू वॉज गेटिंग वीक एंड वीक, रिनू कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही थी। लाइक टू लार्ज स्टोन, दो पत्थर, लाइक टू लार्ज स्टोन, दो पत्थर, दे स्नैक इन टू द सी, वे पानी में डूब गए। सडनली, अचानक, रिनू फेल्ट ए पीस ऑफ सी वेव्स नियर हर फीट। सडनली, अचानक, रिनू फेल्ट ए पीस ऑफ वेव्स, फेल्ट का मतलब महसूस करना, ए पीस ऑफ वेव, एक वेव की टुकड़ी, एक वेव के टुकड़े को नियर हर फीट। अचानक रिनू एक वेव की लहर को अपने पैर की तरफ महसूस करती है। सी थॉट, वह सोचती है, इट वॉज ए स्नैक, यह सांप है, वह सोचती है कि यह सांप है। एंड सी किक्ड, और वह इसे लात मारती है। अबाउट इन फ्राइट, फ्राइट का मतलब भय, भय के कारण वह इसे लात मारती है। फियर गेव देम न्यू स्ट्रेंथ, डर उसे एक नई, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, डर उसे एक नई ताकत देता है। द सी वाज रफ, द सी वाज, समुद्र उबड़ खाबड़ था। एंड इट वाज स्टिल रेनिंग, और अभी भी बरसात हो रही थी। दे स्ट्रगल्ड एंड फोर्ट द सी, उन्होंने समुद्र के साथ संघर्ष और लड़ाई की। दे टोर्स देयर स्कर्ट ऑफ, उन्होंने अपनी स्कर्ट को फाड़ दिया। सो इट वॉज ईजी टू स्विम, ताकि तैरने में आसानी हो। दे थॉट हाउ मच लॉन्गर कुड दे स्विम, दे थॉट हाउ मच, उन्होंने सोचा, हाउ मच, कितना लॉन्गर कुड दे स्विम, वे कितनी लंबी समय, कितने लंबा तैर सकती हैं। जस्ट देन, तभी, दे हियर ए शोर, जस्ट देन दे हियर ए शोर, उन्होंने, जस्ट देन दे हियर ए शूट, तभी उन्होंने एक, जस्ट देन दे हियर ए शूट, तभी उन्होंने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज देयर फादर्स फ्रेंड, यह उनके पिताजी का दोस्त था। ही थ्रू ए नेट टूवर्ड देम, उन्होंने उसकी तरफ एक नेट, एक जाली का, जाली या जाल फेंका। दे कैच इट, उन्होंने इसे पकड़ा। एंड ही होल्ड देम इट, और उन्हें, होल्ड का मतलब घसीटना। एंड ही होल्डेड देम इन, और उन्हें घसीट कर बाहर निकाल दिया। दे रीच द सोरी, वे किनारे पर पहुंच गई। कविता लुक्ड एट द रिनू, कविता रिनू की तरफ देखती है। एंड दे बोथ लुक्ड एट द हट्स एंड द सैंड, एंड दे, कविता रेनू की तरफ देखती है। एंड दे बोथ लुक्ड एट द हट, और वे दोनों एक दूसरे की, एंड दे लुक्ड, दे बोथ लुक्ड एट द, दे बोथ लुक्ड एट द हट, वे दोनों एक कुटिया की तरफ देखते हैं। एंड द सैंड, और मिट्टी की तरफ। दे हैड बीन इन द सी फॉर द 12th हावर, दे हैड बीन इन द सी फॉर 12th हावर, उन्हें समुद्र में 12 घंटे से ज़्यादा समय हो गया था। नाउ दे वर अलाइव, अब वे जिंदा थी। प्यारे बच्चों, यह था चैप्टर नंबर 5 एंगर, सी एंगर का पार्ट 4। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह पार्ट समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।